हाय स्टूडेंट, जीएटी का हाय ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में जो अपेंड क्वेरी ऑप्शन दिया है उसका क्या यूज है और कैसे उसका उपयोग करेंगे, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने एक्सेस ओपन किया है। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, विंडो प्लस आर दबाएंगे और टाइप करेंगे एमएस एक्सेस, स्पेस नहीं होना चाहिए, एमएस एक्सेस टाइप करेंगे और करेंगे ओके। ओके करते ही ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आएगा और क्लिक करेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे, और यहाँ पे हमको डाटाबेस एक क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे नाम कोई देना है दे सकते हैं, और नहीं तो बस हमने यहाँ क्या किया, इसको क्रिएट कर ले। ठीक है, अब क्रिएट करने के बाद से अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, टेबल वन यहाँ पे अपने आप ओपन हो चुका है। अब राइट क्लिक करेंगे और कहाँ आएंगे, डिजाइन, और टेबल वन है तो टेबल वन ही रहने देते हैं, और यहाँ पे लिखा आईडी। लेकिन मैं सपोज मान लो हमारे यहाँ पहले मंथ में कुछ स्टूडेंट आए थे जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, और डाटा टाइप में क्या रहेगा, नंबर, क्या रहेगा बाबू, नंबर, इंटर, उसके बाद नेम क्या है, तो हमने उसके बाद लिखा स्टूडेंट नेम, उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे, शॉर्ट टेक्स्ट, फिर से टैब, और किस कोर्स में किया था, हमने कोर्स लिखा, ज्यादा नहीं बनाते, इतना ही से हम समझा देंगे आपको, क्या लिखा इसका, शॉर्ट टेक्स्ट, इतना क्लियर है सबको। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इस टेबल को सेव करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन से कहाँ जाएंगे, डाटा शीट व्यू, और हमको बनाना है यहाँ पे क्या क्या बनाना है, तो पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन किया जो नंबर है उसको लिख दिया क्या, तो हमने टाइप किया 010, फिर से हमने टैब बटन दबाया, कुछ और नहीं यही रहेगा कॉमन, वैसे लिखते हैं ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेम, तो हमने टाइप कर दिया यहाँ पे रोहन, कोर्स, किस कोर्स में इनका एडमिशन हुआ था, दिया हुआ था डी या खे, और टैब बटन दबाया। फिर से दूसरा जो स्टूडेंट है वह है उनका 012, और इनका नाम है सोहन, और टैब बटन दबा के लिखेंगे यहाँ पे टैली, क्या लिखा हमने, टैली, और टैब बटन दबाया 103, और हमने लिखा यहाँ पे सुरेश, उसके बाद से कोर्स एडीसी, टैब और मोहन, चलो उसकी बात मान लेते, गुस्सा आ जाएगा तब। किसने फीस गुस्साएगा हमसे, गुस्सा है फीस ये तो जमा करेंगे, हमसे गुस्सा जन मत बोलना। हाँ आपके चलिए, यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे चंदन, कितने लोगों का डाटा हमने बनाया, पास चलिए उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, टेबल हमारा वन है इसको सेव कर देंगे, फिर से राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर देंगे, मतलब पहला टेबल हमारा तैयार हो। उसके बाद से मतलब इस मंथ में इतना ही हमारा क्या हुआ था, मतलब एडमिशन हुआ, रजिस्ट्रेशन किया, इतना ही रिकॉर्ड मेरे पास था। अब हमारा जो हम जहाँ पे काम करो वो कार्य नहीं, तो इस मंथ में जितना हुआ इसी मंथ में रखना, ये नहीं कि फीस से आप चढ़ा लेना इसके बाद से जो भी एडमिशन हो, या मान लो जनवरी वाला हमने डाटा रखा है, या पेंडिंग वाला, या कुछ भी है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं, पहले टेबल को क्लोज किया, फिर से आ जाएंगे क्रिएट, और क्रिएट में आने पर टेबल डिजाइन पे आ जाएंगे, और इस बार लेंगे टेबल टू, दे रहा आपको ना, तो टेबल डिजाइनिंग ले सकते हैं, या आप नया सबसे अच्छा है टेबल क्रिएट कर लो, टेबल पे आ जाते हैं, और टेबल पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक डिजाइन, कहेगा सेव करिए, तो टेबल टू के नाम से हम सेव कर देते हैं, या जनवरी फरवरी के नाम से जो भी सेव करना कर दिए। रोल नंबर क्या वहां पे है, हमने बोला कॉमन हेडर होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर, अच्छा वहां भी रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है, नंबर, उसके बाद से क्या लिखा हमने, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद से शॉर्ट टेक्स्ट,
उसके बाद से सोच सोच और फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे। अब फिर से इस टेबल को ओपन करना है तो डबल क्लिक कर देंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर, इस बार कितना मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो उसके बाद ही तो नंबर आएगा बाबू जी। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 106 और इनका नाम है रवि, कोर्स CCC। फिर से 107, इनका नाम है अजय और इनका है, चलो 108, इनका नाम है, अच्छा हाँ बहुत बहुत हो गया, यही नहीं हो पा रहा था दूसरे बैच में। चलो ए डी एफ 109, बस एक दो लोग और बनाएंगे हम। चलो ठीक है, याद हो कोर्स DCA एस 110। हां लो यार ठीक है, डीएफए वाला है हम सर। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव कर ले, ध्यान देना मत बोलना रिकॉर्ड हो रहा है। पहले टेबल में डाटा बनाया, फिर से दूसरे बनाया, अब हम क्या करना चाहते हैं, जो पहले पे जो डाटा बना है और जो दूसरे बना है, तो दूसरे पे देखो जो पहले पे बना उसके बाद वाला बनाया है ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो जनवरी वाला डाटा है टोटल, वो दूसरे टेबल पे जो हमने फरवरी वाला बनाया है वो दोनों मिक्स होके दिखे, मतलब जनवरी वाला डाटा फरवरी दोनों एक टेबल पे हमारा क्या हो जाए, अपेंड हो जाए, जुड़ जाए, कुछ ऐसा तरीका चाहते एक बार में। तो इसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे सही से होगा नहीं, और ये बेटर तरीका नहीं रहेगा इस्तेमाल करने का, तो इसके लिए हम करेंगे अपेंड। कैसे करेंगे, तो इसको राइट क्लिक करके क्लोज करें, फिर इसको भी राइट क्लिक करके क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद से हम आएंगे क्रिएट में, कहां पे आएंगे बाबू, क्रिएट में। और क्रिएट में आने के बाद से हमको आना है क्वेरी डिजाइन, कहाँ पे आना है, क्वेरी डिजाइन। और क्वेरी डिजाइन पे आने के बाद से देखो हमारे दोनों टेबल दिख रहे हैं, टेबल 1 और टेबल 2, दिख रहा है आपको ना, टेबल 1 और टेबल 2। तो देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, सबसे पहले टेबल 1 को सेलेक्ट किया, ऐड किया और क्लोज कर, ठीक है। ये हमने टेबल 1 को सेलेक्ट करके टेबल को ऐड कर दिया, अब टेबल को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस फील्ड में, समझे। और फील्ड में आने के बाद से अब हमको आना है क्राइटेरिया, कहाँ पे आना है, क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया में आने के बाद से हमको करना क्या है, यहीं पे दिख रहा है अपेंड, दिख रहा आपको, अब हमको अपेंड पे क्लिक करना है। अब जैसे अपेंड पे क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे पूछा जाता है टेबल नेम, क्या पूछा जा रहा है, टेबल नेम। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे टेबल 2 को सेलेक्ट करना है, कर देना ओके, क्या करना है ओके। तो देखिए बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने अपेंड हो क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम के सामने स्टूडेंट नेम, कोर्स के सामने कोर्स, क्लियर है ना। इतना करने के बाद से हमको करना क्या है, यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, अब रन करके इसके परफॉर्मेंस को देखना है, चेक करना है परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर कुछ दिक्कत होगा तो एरर देगा, क्या एरर है, नहीं दिक्कत होगा तो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, जैसे दिलीप का एरर हमेशा देता है, कहता सब सही कर ली, बार बार एरर आता है, जब हम खड़े हो जाते तो एक भी एरर नहीं आता है, ठीक है। गलती बनाओगे तो एरर आएगा, ठीक है, तो गलती होगा तो एरर देगा, नहीं होगा तो आराम से दिखाएगा। रन करेंगे, जैसे रन करते ही देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू आर अबाउट टू अपेंड क्या, 5 रो, 5 रो क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है, ठीक है। अब कर देंगे यहां से यस, अब जैसे यस किए और यहाँ पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद इसको सेव किया और यहाँ पे क्वेरी, तो हमें नाम दे सकते हैं क्या, अपेंड,
अब कर देंगे यहां से ओके। ओके करने पर राइट क्लिक किया, सेव किया, राइट क्लिक किया, क्लोज किया। अब देखो टेबल वन पे आए, कितने लोग का डाटा है, 105, मतलब वन से लेके फाइव तक है ना, तो 5 लोग का डाटा इस पे। दूसरे पे क्या होना चाहिए, ये भी डाटा हमारे दूसरे टेबल पे दिखना चाहिए, इसीलिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया। तो जब डाटा ज्यादा होता, 2-3 हो तो लिख लेंगे, नहीं जब ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी, और उस टेबल में बनाना नहीं है। मंथ वाइज हमने रिपोर्ट किया है, ये जनवरी फरवरी में, मतलब जनवरी फरवरी दोनों का मिक्स करके देखना है, फिर अगले में उन दोनों को करना है, तो दिक्कत होती है बार बार करने में। आ जाते हैं टेबल पे, अपने आप नंबरिंग भी सिस्टमेटिक तरीके से सही होगी। आया समझ रहा ना, तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं और डाटा को शो करा के दिखा सकते हैं। मतलब इसका प्रयोग जहां वहां पे करेंगे जब डाटा बहुत ज्यादा हो और आपको दिक्कत हो रही है बार बार, इस मंथ का डाटा फिर से उठा के ले जाइए अगले मंथ। जैसे होता क्या है, मैं एग्जांपल बताता हूं, हमारे यहाँ देखो एक्सेल पे काम होता है, कई लोगों का क्या होता है, इस मंथ का भी कई लोगों का फीस बाकी है, इस लोग का कई सारे लोग का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, उसमें तो जो डाटा हमारा पेंडिंग है उसको छांट लेंगे और उसको अगले वाला जो इस महीने का पेंडिंग है उस पेंडिंग वाले से जोड़ लेंगे। ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो आप क्वेरी का इस्तेमाल करोगे तो बेटर तरीके से, कभी डिलीट करना है, कभी अपेंड करना है, कभी अलग करना है, कभी दोनों को जोड़ना है, तो वहां पे सभी ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए नोट करिए कहाँ कहाँ जाना है उसके बाद से।